कौन सी पार्टी? जेएमएम ना। जेएमएम, अच्छा तो इस बार चुनाव में कौन नेता पसंद है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, क्या काम किया? बिजली का माफ किया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये पसंद का तो सवाल नहीं आता है, हमको एक बार परिवर्तन चाहिए। हम तो तीर धनुष को करेंगे। हाँ। तीर धनुष को क्यों करेंगे, क्यों पसंद है? क्यों करेंगे? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, इतना गर्मी, हम मतलब क्या गरीब आदमी है, हम लोगों का 30-40 हज़ार हम लोगों का बिजली बिल हुआ था, वो भी माफ कर दिया। कृषि ऋण इतना हुआ, वो भी माफ कर दिया। और हम इतना गरीब है कि लेकिन हम लोगों का कोई घर में पैसे ही नहीं है, 1000 रुपया करके पैसा दिया, उसमें तो घर में चला सकते हैं, इसीलिए उसको ही पसंद करते हैं। किसको वोट करते हैं? हम तो जो है ना, जब से जन्म हुआ ना, तब से जो ना तीर धनुष को हम पूजा किया हुआ है। तीर धनुष। अब हमको किसी को फूल छाप कीचड़ में पैदा हुआ कीचड़ को खा देंगे। मन सोरेन को क्यों? क्योंकि बिजली बिल भी माफ किया और हर किसी का हम लोग को सुविधा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह कुर्सी गांव में मौजूद हूं। और मेरे, आप देख सकते हैं, एक बांस का पेड़ है, इधर एक कुआं है जो प्राकृतिक जल स्रोत है, पूरा गांव यहां से पानी पीता है। ये अमूमन अब आपको शहरी जो क्षेत्र होते हैं, जो एक शहरी जगह होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पे आपको ये प्राकृतिक चीजें नहीं मिलेंगी। हम गांव में हैं और ये झारखंड चुनाव चल रहा है। झारखंड चुनाव के दौरान हम घूम घूम के कवर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मतदान में जनता का मूड क्या होगा, जनता किसको मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनेगी। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई महिला बहनें हैं, कई लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है। दीदी, पहले आप अपना नाम बताएं। काजल गोप। तो इस बार कौन नेता पसंद है और किसको मतदान करेंगे? हम लोग। कोई नेता पसंद है? हाँ। कौन नेता पसंद है? ओ, ये आसार चपा वाला। आसार चपा? हाँ। कौन सी पार्टी? हाँ, वही वाला। और हम अभी बोले हैं जो चपा उसको ही देंगे वोट। कौन सी पार्टी? जेएमएम ना। जेएमएम? जेएमएम में कौन नेता पसंद है, हेमंत सोरेन की गुरुजी? हेमंत सोरेन पसंद। हाँ। है। दीदी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरुगोप। सुरुगोप। इस बार चुनाव है, मतदान करती हैं? हाँ। किसको करेंगी इस बार मतदान और किन मुद्दों पे करेंगी? मैया सम्मान योजना आया है आप लोगों को? नहीं आया है पैसा। नहीं तो सबको आ रहा था, आपने लेट भरा क्या? नहीं, लेट नहीं भरे हैं, एक ही साथ भरे हैं। तो आया नहीं आपका? नहीं आया है। आपका आया है महिला सम्मान योजना? नहीं आया। यहाँ किसी का नहीं आया या खाली आप लोगों का नहीं आया? नहीं आया है कुछ लोगों का। अच्छा, तो इस बार चुनाव में कौन नेता पसंद है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्यों पसंद है? हम लोग का काम कर दिया है। काम कर दिया ना? आप लोगों का काम कर दिया। क्या काम किया? बिजली का माफ किया। अच्छा, और कोई योजना जो लगता हो कि हेमंत सोरेन ने हमारे लिए किया है? बहुत किया है, उतना नहीं बोल पाएंगे हम लोग। अच्छा, उतना नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, पहले हम सर से बात करते हैं फिर आप लोगों के पास आएंगे। सर, चुनाव है, वोट भी करते होंगे, इस बार किसको मतदान करेंगे और क्यों मतदान करेंगे, कौन नेता पसंद है? मैं पासिंग पड़ा हूँ कुर्सी गांव का, हमको एक बार परिवर्तन चाहिए जी। इसलिए परिवर्तन चाहिए, क्या है कि आपका दीपेगढ़ 15 साल यहाँ बैठ चुका है विधानसभा में, लेकिन जब चुनाव आता है तो सब एक एक से मैया सामान तो क्या योजना सब निकाल देता है, खाली वोट के बाद। उसके बाद तो वोट खत्म होने के बाद यहाँ कोई नेता नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। सही है कि झूठ हम बोल रहे हैं? लेकिन हमको तो हर एक बार के लिए काम चाहिए ना जी। हाँ जी, जैसे ये सड़क खराब था, उस दिन आया दीपावर भूमि पूजन कर दिया, लेकिन इतना दिन से काय चुप था, जबकि उसका 15 साल यहाँ वो विधानसभा हो गया ना, 3 साल। तो इसलिए हमको कुछ परिवर्तन चाहिए। तो इस बार दीपक बरुआ को वोट नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। हाँ, हम गीता बाल्मीकि को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी? हाँ। को भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पसंद का तो सवाल नहीं आता है, हमको एक बार परिवर्तन चाहिए। देखते हैं, अगर अभी 5 साल में कुछ नहीं करेगा तो उसको भी यह करेंगे उसको भी जैसे एक मिनट, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे इलाज सब सही नहीं होता, फिर दूसरा डॉक्टर कौन जाते हैं कि नहीं? तो हमको भी तो इसे ही करना है ना। आपको भी इलाज
बदलना है, बदलना है जी। ठीक है, आप बात करेंगे दीदी, आप बात करेंगे? नहीं नहीं। अरे दीदी सुनिए तो, वैसा कोई बात नहीं, बस आप सवाल करिए। देखिए हम बस ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन नेता पसंद है और क्यों पसंद है, किसी ने 5 सालों में लगता है कि कोई काम किया है, ये ही पूछेंगे। इस बार चुनाव है, हाँ। मतदान भी करेंगी आप? हाँ जी। तो मतदान किसको करेंगी? हम तो तीरधनुष को ही करेंगे। तीरधनुष को करेंगे? हाँ। तीरधनुष को क्यों करेंगे, क्यों पसंद है? क्यों करेंगे, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, इतना गर्मी, हम मतलब क्या गरीब आदमी है, हम लोगों का 30-40 हजार हम लोगों का बिजली बिल हुआ था, वो भी माफ कर दिया, कृषि ऋण इतना हुआ वो भी माफ कर दिया, और हम इतना गरीब है कि लेकिन हम लोगों का कोई घर में पैसे ही नहीं है, 1000 रुपया करके पैसा दे, उसमें तो घर में चला सकते हैं, इसलिए उसको ही पसंद करते हैं हेमंत सोरेन को। जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हेमंत सोरेन ज्यादा पसंद है कि गुरुजी? गुरुजी को कहाँ पसंद नहीं, किसको देखे हैं? नहीं, हम गुरुजी को, गुरुजी को नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। हेमंत सोरेन के पिताजी को? ओ, उसको नहीं देखे हैं हम। नहीं देखे हैं। हाँ, हेमंत सोरेन अच्छे लगते हैं, काम करते हैं, इसलिए आप हेमंत सोरेन को जी वोट देंगी? जी। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैया सम्मान योजना की बहुत धूम चल रही है, हेमंत सोरेन ने कहा मैया सम्मान योजना पूरे झारखंड में बट रहा, आपको मिला क्या? मिला। मिला? हाँ, 2 महीना मिल गया। 2 महीना मिल गया आपको? अकेले मिला, घर में और लोग थे? नहीं, हम तो अकेले परिवार चला, हम लोग अकेले हैं तो घर में। अच्छा आप अकेले हैं तो दूसरों को तो मिल गया जी, पड़ोसा हमारे घरों पर अगल बगल, हाँ, मिल गया, हाँ, सबको, हाँ, नहीं बोल के नहीं, तो हम ही भर दिए हैं, कि समूह का अध्यक्ष है ना, तो हम ही भर दिए हैं, तो वो सेविका के पास जमा कर दिए हैं, और जमा करके सबको ही मिला है, तो उसको ही हम पसंद करेंगे, उसको ही पसंद करेंगे। हेमंत सोरेन आपने जैसा बताया काम किया है, हेमंत सोरेन को भाजपा ने जेल में भी डाला, कई दिनों तक जेल में भी रहे, उनका कहना था, भाजपा का कहना है कि वो भ्रष्टाचारी हैं इसलिए जेल में गए, आप लोगों का क्या मानना है? हम वो नहीं पता है, वो नहीं पता है। हेमंत सोरेन मतलब आपको लगता है कि सच में कोई गुनाह था, सच में कोई भ्रष्टाचार था, या राजनीति के शिकार हो गए? वो तो नहीं पता है ना। नहीं पता है, ठीक है। और दूसरे, आप अपना नाम बताइए पहले। तरकोई जी। तरकोई। तरकोई, अब की मतदान है, वोट है, वोट देती हैं? हाँ। इस बार किसको वोट करेंगी? ठीक है, नहीं करेंगे दान जी धनुष। धनुष को? धनुष क्यों, क्यों धनुष पसंद है? क्यों धनुष पसंद है? धनुष पसंद है। अच्छा कौन बोलेगा सो बताइए, आप बोलेंगी? आप बोलेंगी? अच्छा बताइए, किस इस बार चुनाव है, नेता आए थे आपके पास? कोई नेता आए थे? आया था होगा, हमको नाम नहीं करना। अच्छा तो वोट किसको करेंगे? हमको जो पैसा दे रहा है उसी को देंगे। पैसा कौन दे रहा है? वो तो सरकार दे रहा है ना। कौन सरकार? वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन का बात नहीं, हम बहुत पहले से मिल रहा है। हाँ। तो उसी को देंगे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार? हाँ। कौन सा पैसा मिल रहा है मोदी सरकार से? वृद्धा पैसा, वृद्धा पेंशन। हाँ। तो मोदी सरकार को वोट करेंगी? तीर धनुष नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, दुकान का जी बताइए, दुकान का जी। आप बात करेंगी? नहीं, नहीं बात करेंगे। अच्छा आप लोग बात करेंगे? नहीं नहीं, आप भी नहीं करेंगे? आप बात करेंगे? नहीं नहीं। किसको वोट करते हैं? हम तो जो है ना, जब से जन्म हुआ ना, तब से जो ना तिल धनुष को हम पूजा किया हुआ है। तिल धनुष को पूजा? बस जिस तरह उनको पूजा किया, वही हम मान सम्मान मानता है, मेरा जो जमीन का जो ना, हम लोग उसी का पूजा होता है, तिल धनुष को। तिल धनुष, अब हमको किसी का फूल छाप का कीचड़ में पैदा हुआ कीचड़ को कह देंगे? कीचड़ को नहीं देंगे, कीचड़ को नहीं देंगे। हम लोग बांस से धनुष बनाते हैं जी, तो उसका हम लोग पूजा करते हैं। बस उसी को देना, और किसी को देना नहीं है हमको, जैसे भी अगर जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है। तो तीर धनुष में कौन नेता पसंद है, क्यों तीर? कोई भी जीते हमको उससे कोई मतलब नहीं, हारेगा भी तो भी ठीक है, कोई भी हमको, कोई नेता भी खड़ा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको। तीर धनुष में देना, अपना जो जन्म ये है संस्कार है, वो हम लोग का तीर धनुष है।
तीर धनुष में हेमंत सोरेन पसंद है? नहीं, उससे कोई मतलब है नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई भी खड़ा हो उसी को हम वोट देंगे ना। दीपक बुरो का हट जाएगा अभी तो, दीपक बुरो का भी नहीं, जो खड़ा होगा तीर धनुष में वोट देंगे। तीर धनुष ही? हाँ, तीर धनुष से वोट देंगे, और किसी को नहीं देंगे वोट। और किसी को नहीं? और किसी को देंगे ही नहीं, जब तक जिंदा है तब तक हम तीर धनुष को वोट देंगे। तो भाजपा कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास? नहीं, तुम बिहारी लोगों को देगा ही नहीं, मेरा तो शमशान घाट इसी तो शमशान घाट जो ना यहाँ पर हमने डेम उम डूम सब डुबा दिया। अरे आइए तो, हमको वोट देना ही नहीं है, बीजेपी को देना ही नहीं है, कभी अपना नाम में हम बीजेपी को देंगे ही नहीं। बीजेपी से क्यों इतना चिढ़ है? हमको जो ना मेरा सरकार यहाँ पर जो ना डेम तो बन गया, डेम बन गया यहाँ पर, चैला माँ का ये हो गया, यहाँ कंपनी बना दिया, मेरे लिए क्या किया? मेरा समस्या से दूर नहीं हो रहा है। हाँ, तो आपकी समस्या कौन दूर करेगा? कोई समस्या दूर नहीं करे, नहीं दूर करे मतलब हमको कोई उससे कोई मतलब नहीं, मगर हम जो तीर धनुष को छोड़ेंगे नहीं। तीर धनुष को ही देंगे? तीर धनुष को ही देंगे, तीर धनुष को ही देंगे। नमस्कार, जोहार 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 जोहार। दीदी आप बात करेंगी? आइए ना हमसे, हम आप ही से बात करने आए हैं गाँव में। वोट करते हैं दीदी? हाँ करते हैं। इस बार चुनाव में है, आपको पता है ना, वोट भी करेंगी? हाँ। किसको करेंगी दीदी? हम? हाँ, हेमंत सोरेन को करेंगे। हेमंत सोरेन को क्यों? क्योंकि बिजली बिल भी माफ किया और हर किसी का हम लोग को सुविधा किया, तो उसी को ना हम लोग देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन को ही देंगे? हाँ। तो भाजपा कह रही है कि हेमंत सोरेन तो भ्रष्टाचारी हैं, जेल भी गए, तो हेमंत सोरेन लोगों के लिए क्या करेंगे? सब कोई जेल तो गया है, एक ही जन का लिख क्या गया है क्या जी? तो नेता बनेगा तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, नेता बने हैं तो जेल जाना पड़ेगा। हर किसी का घटना तो ही होता है जी। तो हम लोग को मोदी सरकार क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। मोदी सरकार कह तो रही है 2100 महिलाओं को देंगे गोगो दीदी योजना, कुछ भी नहीं दे रहा है हम लोग को, अभी तक हम लोग को नहीं दिया। हेमंत सोरेन पहले में ही हम लोग को पैसा दे दिया। तो हेमंत सोरेन को ही वोट देंगे? हाँ, उसी को ही देंगे हम लोग, उसी को ही देंगे। तो लगता है कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, हम लोग का चित्र का है तो उसी को ना हम लोग देंगे, वो दूसरा जात है उसी को हम भाड़ा करेंगे। हम लोग का गांव को देखने आएगा क्या? वो तो आएगा जरूर, कुछ ना कुछ घटना होगा तो आएगा ना गांव, तो हेमंत आएगा गाँव। हाँ, तो भाड़ा बन करके तो नहीं जाएंगे बोल के तो नहीं सोचेगा ना जी। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, उसी को ही देंगे हम लोग, भाजपा को नहीं देंगे? नहीं देंगे। भाजपा से इतना नाराज की क्यों है? क्यों नाराज नहीं होंगे, हम लोग का क्षेत्र पूरा डूब रहा है, वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है हम लोग का, पूरा डैम बन रहा है हम लोग को, पूरा पूरा हम लोग का गांव पूरा क्या बोलेंगे 127 गांव पूरा डूब रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसी को देंगे तो और हम लोग को भगाएगा, तो हम लोग मोटरी जोटरी लेके कहाँ जाएंगे बच्चा सबको पकड़ के? हाँ, तो हम लोग का तो ऐसे ही जमीन जायदाद तो नहीं है उतना तो जी, तो हम लोग कहाँ बना के रहेंगे? मतलब डैम ना बने इसके लिए आप लोग? हाँ, जेएमएम को देंगे? हाँ, और डैम बनेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे मोदी को दे करके जी? ठीक है, अब ये दीदी कुछ कह रही थी। दीदी, गोगो दीदी योजना में भाजपा दे तो रही है महिलाओं की 2100 रुपया? दे रही, अभी तक नहीं पहुँचा है, कौन पहुँचा उसको ना देंगे हम? जो पहुंचाया उसको देंगे वो? हाँ, घर घर पहुंचे उसको ना देंगे, घर घर बैठे बैठे भर रहे। पहले राशन कार्ड के लिए डीसी ऑफिस क्या क्या हम परेशान हो रहे थे, अभी घर से अपने बन रहे हैं अपने आके। पहले थोड़ी वो इतना दिन डीसी ऑफिस में परेशान हो, ब्लॉक में परेशान हो रहे, कहाँ कहाँ परेशान हो रहे, अभी घर से बैठे बैठे फॉर्म भर के हम लोग का पैसा आ रहा है मैया सम्मान में। तो तकलीफ नहीं है? अच्छे तो नहीं है, अच्छा है, लेकिन अच्छा है। हेमंत सोरेन, आप भी बात करेंगे भाई? हम तो बहुत तकलीफ है, आइए ना। ये एक गांव नुमा जगह है जहां आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग बैठे हैं। आप बात करेंगे जी, कहिए ना। अभी हम लोग, हमको 1000 रुपये मैया सम्मान भी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए जमीन जायदाद मेरा बचे रहे। लेकिन ये डैम जो हुआ है ना, ये आपका ना भारतीय जनता किया था ना, ये कांग्रेस के जमाना से है, 1988 का। उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी थी? नहीं थी। ठीक बात है, ये उस समय से यह हुआ, कांग्रेस था, जमीन भी उसमें नहीं था, वो तो बाद में आया। तो हमको अपना जमीन ज्यादा पहले बचन, ये मैया सम्मान का 1000 दे देते, सब बहुत खुश रहे महिला लोग। ये तो फिलहाल के लिए 1000 में क्या किसी का परिवार चलता है जी? तो कह तो रहे हैं कि 2500 देंगे, अभी उसको कैबिनेट से पास हो गया है, 1000 से 2500 हो गया हर महिला का सम्मान।
हम आपको कागज भी दिखा देंगे, तो हमको पहले अपना जमीन जहाँ हम बसिंदा है हमको पहले बचाना है। जमीन ज्यादा जरूरी है, मेरा जमीने नहीं रहे तो घर कहाँ बनेगा, हवा में बनाएंगे ठीक है ना, कहाँ बनाएंगे ठीक है। ये एक गाँव नुमा जगह थी जहाँ हम बैठ के समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता के मूड में क्या है और जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। कई महिला बहनों से भी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस बार हेमंत सोरेन को वोट करेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन उनके पसंदीदा नेता हैं। हेमंत सोरेन की कई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे ये लाभान्वित भी हो रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।